सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसा आप सभी लोग। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ पोको X3 डिवाइस के बारे में। और इंडिया में फाइनली पोको X3 जो डिवाइस है इसके लिए MIUI 12.5 का इनेस एडिशन अपडेट है जो कि यहाँ पर रिलीज करा दिया गया। अब इस अपडेट के अंदर आपको फीचर है वो यहाँ पर कौन कौन से देखने को मिलते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों से आगे बात करूंगा वीडियो में। प्लस आप लोगों को बताऊंगा अपडेट की टोटल साइज है वो क्या देखने को मिलती है, अपडेट का वर्जन नंबर है वो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, और अभी कैसे आप लोग अपनी डिवाइस के अंदर ये जो अपडेट है इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सो यार आज तो अपडेट यहाँ पर रिलीज हुआ है, इस बात पे आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। आगे तो एंड्रॉइड 12 का अपडेट आएगा, MIUI 13 का अपडेट का, सो आपको इसी तरीके से रेगुलर वीडियो है वो यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। और वीडियो को अभी तक यहाँ पर लाइक नहीं किया है सो अभी वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए चलते हैं मेरी फोन स्क्रीन पे। सो यहाँ पर दोस्तों आ चुके हैं हम लोग हमारी फोन स्क्रीन पे, और मैं आप लोगों से बात करूं अपडेट के बारे में। सो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो MIUI 12.5.4.0 का आप लोगों को अपडेट है, उसका यहाँ पर वर्जन नंबर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और अपडेट की जो टोटल साइज है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है 615 MB। और इस अपडेट के अंदर आप लोगों को चेंज लोग है वो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो आप लोग यहाँ पर जैसा कि देखते हो हमेशा की तरह आप लोगों को दो ही लाइन है जो कि यहाँ पर मेंशन होके रखी है कि फोन की जो परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पर इंक्रीज किया गया है, और सिस्टम जो सिक्योरिटी है उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको भी यहाँ पर इंक्रीज किया गया है। सो इतनी लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन ये वाला जो अपडेट है इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर मेमोरी एक्सटेंशन का जो फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसके बारे में मैं आप लोगों से वीडियो में आगे यहाँ पर बात करने वाला हूँ। लेकिन गाइज उससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ ये है हमारा टेलीग्राम का चैनल, अगर आप लोगों ने इसको यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया सो इसको ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये जो अपडेट है वो पोको X3 इंडिया के लिए यहाँ पर रिलीज किया गया है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ में पहले यहाँ पर शेयर कर दिया था कि 12.5.4.0 का अपडेट है जो कि पोको X3 जो डिवाइस है इसके लिए यहाँ पर रिलीज करा दिया गया। सो बहुत सारे जो पायलट यूजर है उनको तो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल चुका है, लेकिन जो यहाँ पर नॉर्मल यूजर है उनको अपडेट है वो अभी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, कुछ समय का आप लोगों को यहाँ पर वेट करना होगा। सो 3 से 4 डेज है उसके लिए आप लोगों को वेट करना होगा। लेकिन गाइज ये जो अपडेट है इसके अंदर आप लोगों को मेमोरी एक्सटेंशन का जो फीचर है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, साथ ही में आप लोगों को नवंबर का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का जो अपडेट है वो भी इसी अपडेट के साथ में यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि एक कमाल की बात है। लेकिन कुछ ही दिन के अंदर यहाँ पर दिसंबर का मंथ है जो कि यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, लेकिन नवंबर का अपडेट आ चुका है वही एक बहुत ही कमाल की बात है। अब गाइज मैं आप लोगों से बात करूं फोन की आप लोगों को परफॉर्मेंस है वो कैसी देखने को मिलती है MIUI 12.5 के इनेस एडिशन अपडेट करने के बाद में। सो फोन की जो परफॉर्मेंस है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही कमाल की देखने को मिलती है। अगर आप लोग 12.5.4.0 का इनेस एडिशन अपडेट है अपने पोको X3 जो डिवाइस है उसके अंदर यहाँ पर इंस्टॉल कर लोगे। अब दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूं आप लोगों को ये जो अपडेट है वो यहाँ पर कौन सी डेट को मिलेगा, सो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर वेट करना होगा। अगर आप लोग एक पायलट यूजर है और जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक यहाँ पर अपडेट है वो आके यहाँ पर फिर से रोल बैक हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने टाइम पे यहाँ पर अपडेट है उसको चेक नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में प्रॉपर न्यूज है जो कि यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, एक बार फिर से यहाँ पर रिलीज होगा पायलट यूजर के लिए अपडेट, तो भी मैं आप लोगों के साथ में इसी तरीके से स्क्रीनशॉट है उसके साथ में यहाँ पर आपका डिवाइस का नेम है वो यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, इससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके डिवाइस के लिए अपडेट है जो कि अभी लाइव चल रहा है। सो आप लोग कर सकते हो, सो इसको आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं आप लोगों से बात करूं नॉर्मल यूजर के बारे में, सो गाइस उनको तो यहाँ पर वेट करना होगा क्योंकि अभी ना ही तो मैनुअल लिंक आई है और ना ही आप लोगों के लिए अपडेट है वो इतनी जल्दी यहाँ पर रिलीज होने वाला है, कम से कम 1 वीक का आप लोगों को यहाँ पर वेट करना होगा। पहले देखते हैं इस अपडेट के अंदर बग्स हैं वो आपको कौन कौन से यहाँ पर देखने को मिलते हैं, अगर अपडेट के अंदर कुछ पर बग है वो आपको देखने को नहीं मिलता है उसके 1 हफ्ते के बाद में आप लोगों को अपडेट है वो नॉर्मल यूजर है उनके लिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पोको X3 जो डिवाइस है इसके लिए फाइनली आप लोगों को मेमोरी एक्सटेंशन का जो फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिल चुका है। आप लोग यहाँ पर जैसा कि देखते हो 3 GB रैम है उसको आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हो आपकी डिवाइस के अंदर, मतलब कि आप लोगों के फोन की जो रैम है वो अगर यहाँ पर 6 GB है सो वो यहाँ पर बढ़कर हो जाएगी 9 GB। सो आप लोग खुद यहाँ पर सोच सकते हो अगर आप लोगों के डिवाइस के अंदर 9 GB यहाँ पर करंटली रन कर रही होगी सो आपका फोन है वो आप लोगों को यहाँ पर कितना स्मूथ है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो ये
वाला जो फीचर है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे आप लोग अपनी सेटिंग को ओपन करते हो, ओपन करने के बाद में सिंपली आप लोगों को एडिशनल सेटिंग को यहाँ पर ओपन करना है और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर है जो कि यहाँ पर शो हो जाएगा। बाकी जितने भी जो डिवाइस है इंडिया के अंदर उनके अंदर मैक्सिमम यहाँ पर 2GB रैम है जो कि यहाँ पर प्रोवाइड की गई है Xiaomi की तरफ से। लेकिन पता नहीं पोको वालों को क्या हो गया है, यहाँ पर पोको X3 जो डिवाइस है इसके लिए 3GB रैम है जो कि यहाँ पर दी गई है मेमोरी एक्सटेंशन फीचर के अंदर। और इससे एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि आपका जो फोन है वो आप लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा स्मूथ है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है अगर आप लोग इस अपडेट को यहाँ पर इंस्टॉल कर ले तो। सो मैंने आप लोगों को जैसे कि एक बार बता दिया, फिर से अपडेट है वो कल सुबह यहाँ पर अपडेट है वो फिर से यहाँ पर रिलीज होगा और किसी भी टाइम पर अपडेट है जो कि यहाँ पर रिलीज हो सकता है, इसकी कोई भी यहाँ पर कंफर्म टाइम नहीं है। सो आप लोग यहाँ पर एक्टिव रह सकते हो हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ में, इसका लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और गाइज अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक यहाँ पर लाइक नहीं किया है सो अभी वीडियो को लाइक कर देना, बाद में आप लोग यहाँ पर भूल जाओगे। अगर गाइज मैं आप लोगों से बात करूं कुछ और चेंजेस के बारे में, सो यहाँ पर सेटिंग को ओपन करते हैं, मोर को ओपन करते हैं, सो जो पोको लॉन्चर है इसके अंदर आप लोगों को किसी भी तरीके का जो चेंज है वो देखने को नहीं मिलता है। बैकग्राउंड के अंदर भी आप लोगों को चेंज है वो देखने को नहीं मिलता है और भी इसके अंदर कुछ भी यहाँ पर नया फीचर है वो यहाँ पर एड नहीं किया गया। ओनली आप लोगों को मेमोरी एक्सटेंशन का जो फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है और उसी के साथ में आप लोगों को नवंबर का सिक्योरिटी पेज का जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आप लोगों ने अपने डिवाइस के अंदर लेटेस्ट पोको लॉन्चर है जो कि यहाँ पर इंस्टॉल नहीं किया है सो जल्दी करो, पोको लॉन्चर है उसका लेटेस्ट अपडेट है वो यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना। इससे आप लोगों का जो फोन है वो आप लोगों को और भी ज्यादा स्मूथ है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और पोको लॉन्चर का जो APK है वो मैंने आप लोगों के साथ में अपना दूसरा जो टेलीग्राम चैनल है इसमें यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया और इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा सहेज सेन अपडेट। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में मेन जो न्यूज है जो कि यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ और आप लोग यहाँ पर जैसा देखो 2.20.1.856 तो पोको लॉन्चर का जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर कर दिया है। सिंपली आप लोगों को इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद में अपने डिवाइस के अंदर यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है और इससे भी आप लोगों का जो फोन है वो आप लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पर स्मूथ देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। और आप लोगों ने अभी तक भी हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसको यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है सो उसको ज्वाइन कर लेना, उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।